तो गाइस अगर आपके पास मोबाइल है ना, तो अगर आपको मोबाइल लॉक रहता है तो आप लोग इस चीज़ को आप देखते होंगे, भैया ये इमरजेंसी कॉल हमारे मोबाइल में क्यों रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे ना, सो किसी को कॉल नहीं लगता। ओके, सो मैं यहाँ पर देखता, मैंने खुद का नंबर डाल किया, सो यहाँ पर मैंने देख सकता है कि ये कॉल नहीं लगता है, कॉल नॉट सेंट इमरजेंसी नंबर। ओके, सो ये क्यों, मतलब आखिर ये क्यों दिया कंपनी, जब मेरा इमरजेंसी टाइम पर कॉल लग ही नहीं रहा है, सो कंपनी ये आखिर दिया क्यों है। सो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया ना, तो आप कहेंगे भैया मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी का जान भी बचा सकता है। तो देखो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल हमें यहाँ पर टाइपिंग करने पर नहीं लगेंगे, तो इसमें सेटअप करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइड में एक SOS मैसेज सो ऑप्शन सो हो रहा होगा। ओके, आप में हो सकता है एक अलग टाइप सा दिखता होगा, लेकिन मेरे में इस टाइप का दिख रहा है SOS सीरियस ऑफ सीरियस। सो मैं इस पर सिंपल तरीके से करता हूँ क्लिक, जैसे हम क्लिक करते हैं ना, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन शो हो जाता है। सो देखते इन्फॉर्मेशन मेरा शो हो गया। सो यहाँ पर देखते हैं मेरा एड्रेस लिखा है, मेरा अपना जो भी एड्रेस था मैंने वहाँ पर फिल करके रखा है, मैं ऑलरेडी सेटअप करके रखा हूँ। मैं आपको बताऊँ इस का सेटअप कैसे कर सकते हैं और ये आपका जान कैसे बचा सकता है। आप लोग बस थोड़ा सा संयम बनाकर बैठे रहे। सो इन्फॉर्मेशन में चला कि यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन शो हो जाता है, यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। शो देखिए यहाँ पर एडिट नहीं होगा, एडिट करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ब्लड टाइप देता है, आपका जो ब्लड ग्रुप है, आपका जो भी ब्लड टाइप है आपको यहाँ पर एड कर, ग्रुप ए पॉजिटिव से यहाँ ए पॉजिटिव टाइप कर दिया। एंड यहाँ पर एलर्जी, आपको किस चीज़ से एलर्जी, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, सो आप यहाँ पर उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मुझे बस से काफ़ी एलर्जी है, तो मैंने बस यहाँ पर ऐड कर दिया। और भी ऑप्शन आता है, बट वो आपको अपने हिसाब से कर लेना। एंड चलो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर चलते। अब सबसे मेन बात आता है कॉन्टैक्ट्स, हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं कि आपका कॉन्टैक्ट सारा यहाँ पर शो होने लगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ जिस चीज़ को ऐड करेंगे, जिसका नंबर ऐड करेंगे, वही पर यहाँ पर शो होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चार नंबर मैंने ऐड करके रखा है, जो मेरा बहुत ज़्यादा करीबी है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स, मैंने अपने पापा का नंबर ऐड कर रखा है, मैंने अपना दोनों अंकल का नंबर ऐड कर रखा है, जो मेरे दो अंकल हैं, एंड मैं एक दोस्त का नंबर ऐड कर रखा है। उस चीज़ उस शख्स का नंबर ऐड करना है जो कि आपके एक कॉल पर वो भागे चले आए, दौड़े चले आए, आपको प्रॉब्लम में देख कर वो कहीं पर भी आपके पास चले आए, उस शख्स का नंबर ऐड कर। ऐसा नहीं कि भाई आप अपने गर्लफ्रेंड का नंबर ऐड कर दिया, भाई मेरे बहुत ही केयर करने वाले, ऐसा नहीं दोस्त। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, आप करो। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है, कई सारे ऑप्शन आते हैं ऐसा, आप पाँच चार से भी ज़्यादा आप कई नंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने चार नंबर ऐड किया था, इंपॉर्टेंट्स। ओके, सो आप चाहे तो किसी का भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई अपने गर्लफ्रेंड का नंबर ऐड मत करो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है। सो अब इसे हम सेटिंग कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसे करते हैं। सो देखो अब यहाँ से हमें कॉल लगता है, मान के चलो यहाँ पर SOS मैसेज भी चले गए एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी चले गए। यहाँ पर हम किसी को कॉल करेंगे तो यहाँ पर कॉल लेगी, क्योंकि मेरा अभी मोबाइल लॉक है, अभी मेरा मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है। सो आई थिंक देखो मैं पापा कॉल कर रिटर्न कर दी, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। अगर अभी देख सकते हैं तो मेरा अभी मोबाइल लॉक ही लॉक है। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा मोबाइल अनलॉक हो चुका है, इमरजेंसी पर जाना और यहाँ पर सॉस पे चलना है। मैंने जो भी कॉन्टैक्ट से रखा है यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो कॉल लग जाएंगे, बस ये हमारे सेटिंग्स है। सो इसे हम सेटिंग्स कैसे करते हैं, सो इससे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये हमें सेटिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अगर आप खुदा ना खास्ता अगर कहीं आप किस आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप किसी मुसीबत में हो, ओके, पड़े हो बेहोशी की हालत में, लोग क्या करेंगे। देखो आपका फोन एंड आपका लॉक है, वो क्या कर सकते हैं भाई, आपका फ़ोन लॉक, आपको किसी को कॉल भी नहीं कर सकता आपके फ़ोन से। तो ये हमारी सेटिंग्स बहुत काम आता है। अगर आप लोग अगर किसी को देखें कि कोई बेहोशी हालत पा हुआ है, सो आपको एक बार उसका जरूर इमरजेंसी कॉल ज़रूर चेक करें, हो सकता है उसने ये चीज़ ऑलरेडी फिल करके रखा हो। मेरे तरह मैंने जिस तरह से रखा, मेरा एड्रेस भी है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट्स भी, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी है। आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई, मतलब आपको ऐसा कोई मिले कहीं रास्ते में। आई थिंक प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को मिलता भी है, ठीक है। सो देखो अब इन्हें इससे सेटअप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना है मोबाइल के सेटिंग में चलते हैं। सो चलो अपने मोबाइल सेटिंग्स ओपन कर ले, और यहाँ पर हम अगर ढूंढेंगे तो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें सर्च बार जो दिया कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, राइट। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली सर्च करते हैं इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, राइट। इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, जैसे मेरे पास फर्स्ट साइट पर आ गया, सो हमें उस पर टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन शो हो गया। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ ऐसा रहेगा, नाम लिखने के लिए रहेगा। सो आप लोग यहाँ पर नाम पर टैप करना और ये अपना नाम ऐड कर सकते हैं, और साइड में आपको फोटो भी ऐड करने का ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पर फोटो ऐड कर सकते हैं। ओके कर देना, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर डन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको ढूंढने का ब्लड टाइप, देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको लिखना पड़े, ऑलरेडी ये ढूंढने का ऑप्शन सिर्फ उस पर आप टाइप करोगे, आपको यहाँ पर ऐड करना है सिर्फ, ऐसा नहीं कि आप हाँ भैया हमें ब्लड ग्रुप दे दिया फिर बाद में कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं। जो चीज़ ऑप्शन हो और जो चीज़ इंपॉर्टेंस होता है वही चीज़ मोबाइल को डाउन ढूंढता, राइट। सो जो भी मेरा ब्लड ग्रुप था मैंने यहाँ पर ए पॉजिटिव दे दिया, ओके। सो अगर आपका जो भी हो सकता है आप एक बार कमेंट बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे से कौन मिलता जुलता है, किसका ए पॉजिटिव है, एक बार जरूर कमेंट में कीजिएगा। एंड यहाँ पर एलर्जी, यानी आपको किस चीज़ से एलर्जी यहाँ पर आपको ऐड कर लेने, मेरे को बस से एलर्जी है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। एंड यहाँ पर अब आता है कि अब देखो फिर भी अभी भी यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने सारा चीज़ एडिट नहीं किया था, मैंने एलर्जीज तक किया था। एंड उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मेरे को छूट गया था, मैंने इससे किया ही नहीं था। एंड यहाँ पर मेडिसिन, देखो मेडिसिन अगर हम बात करें, आई थिंक अगर आप कोई प्रेशर वाला इंसान है, ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम है, आप शुगर है, जो भी अगर इम्पोर्टेंस अगर आपको ऐसी बीमारी है तो आपका रेगुलर दवाई चलता है, तो यहाँ पर उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि मेरा रेगुलर यहाँ पर दवाई चलता है, इस चीज़ हमें चाहिए। अगर हम आपके इस कहीं पर बेहोश हालत में पड़ गया, हो सकता है आपका बीपी बढ़ गया हो, सो यहाँ पर अगर लिखेंगे ना तो उसी देख लेगा, हाँ भाई इससे ब्लड प्रेशर इसका प्रॉब्लम है, बीपी का दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्गेन डोनर मेडिसिन नोट्स एस मेडिकल नोट्स, आपका इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसा है जो कि बीमार वाले के लिए, अगर आपके पास कोई बड़ी बीमारी है तो यहाँ पर आप वहाँ पर नोट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मेडिसिन नोट्स, ठीक है। सो ये हमारे लिए यूज़फुल चीज़ होती है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, ओके। एंड अब आते हैं कॉन्टैक्ट की बात, यहाँ पर अपना आपका करीबी का अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पर चलना है, और यहाँ पर इससे भी और भी ज़्यादा कर सकते हैं, इससे हम ओपन करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ ओपन हो जाएगा। सो हम इससे कई कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट्स होगा उसका हम कर सकते हैं, राइट। सो इस टाइप का हम यहाँ पर इससे हम सेटअप कर सकते हैं, अगर जब भी हम कई मुसीबत में पड़ेंगे, सो लोग हमारे मोबाइल फ़ोन तो मेरा ऑफ ही रहता है, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो इमरजेंसी के ज़रिए से, अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए, सो आपको एक चीज़ से सौ इमरजेंसी ज़रूर चेक करना, हो सकता है इसका इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हर किसी को पता नहीं चलता है, ओके। सो देखो अगर मान के चलो अगर आपके पास ये वीडियो गया इतफाक से, हो सकता है आपके सामने गया, फिर आपने जानने की कोशिश किया, आपने सर्च किया, तभी आपके सामने वीडियो आया है, ठीक है। सो दो कारण से आपके सामने वीडियो गया, और कुछ लोग इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, भैया छोड़ो यार क्या है, मतलब ध्यान ही देते, जो जानने की कोशिश कर उसे पता चला, जो जानते हैं उसे जानते हैं, अगर जो नहीं जानते तो भैया एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी ये सेटअप करके रखे और वो भी कोई मुसीबत में पड़े तो उसका भी हेल्पफुल साबित हो मोबाइल। मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट से बस यूज़ करने वाले चाहिए, हमारे जान भी बचा सकता है मोबाइल, जान बचा भी सकता है, जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है, इसलिए हमारे यूज़ पर डिपेंड करता है। सो इसका हमें सही यूज़ करेंगे तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंस है। सो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना सेटिंग एनेबल कर दे, और वो भी अपनी किसी मुसीबत में जाए तो आपको आप लोगों तक उसका पता चल जाएगा, हाँ भाई वो कहाँ पर है, किस मुसीबत में, ओके। सो आज के वीडियो यहीं तक रहा, आई थिंक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये इमरजेंसी कॉल था क्या और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।